अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ मौजूद साहिवाल में हूँ जी। लेकिन जो जगह है मतलब के रिहाइश के लिहाज से, ये एक फैक्ट्री की छत है आई थिंक। तो इसके ऊपर ये देख लें, जानवरों के लिए सिस्टम लगा हुआ है। बकरा फार्मिंग की जा रही है जी। बकरे दिखाऊंगा आपको, उनमें से दो पर्पज़ हैं वीडियो बनाने के। एक तो ये है कि इनमें से बकरे फॉर सेल भी हैं, दूसरा ये है कि आप ऐसे ये देखें इनकी हेल्थ देख लें माशाल्लाह। शहरों में भी आप फार्मिंग कर सकते हैं और ये प्रॉफिटेबल है, वाकई है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज की वीडियो में टोटल डिटेल से बात होगी। दो पर्पज़ हैं वीडियो के, एक ये बकरे सारे फॉर सेल हैं, हेल्थी हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं। दूसरा इनकी डाइट और क्या ये प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे वीडियो में। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो मैंने बना ली लेकिन दिखा देता हूँ कि वाकई में छत पे जानवर रखे हुए हैं। ये देख लें, नीचे एक फैक्ट्री है, उसके नीचे इनका माल है जी। ये बिजली की तारें और इनसे दूर दूर आओ, ये देख लें। अशरफ गुजर के नाम, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, नाम क्या है जी अपना? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर, ते किस जगह ते अपना ये सेटअप है जी? ये स्मॉल इंडस्ट्री जहाज ग्राउंड साहिवाल है जी। हां जी साहिवाल। सही है जी। सर छत दे उत्ते शौक कर रहे हो कितने टाइम तो? ये तकरीबन सानू 12-13 साल हो गया। छत दे उत्ते प्रॉपर कर रहे हो? छत दे ऊपर सिर्फ बकरा फार्मिंग कर दे या बकरियां दा भी शौक हुंदा? हर कुर्बानी तैयार कर दे। ओ गया ना अमजद साहब ने दसया जी का ठेकेदार साहब ने जी जी भई असि बकरियां साडे कोल हैन 25-30। हां जी ओ बाहर भेजियां यानी के रेफड़ा उदे गांव दे विच। सही है, ये अमजद साहब दे ने के फार्म दोने भाई ने ना। सही हो गया सर। अच्छा सर छत ते कर रहे हो तकरीबन 12 साल, तो ए प्रॉफिटेबल है, फायदा च है, मुनाफा बख्श है? मुनाफा बख्श है जी। अच्छा सर 12 साल तो सेम खुराक सेम वंडा दे रहे जानवरों? 12 साल दे रहे। सही हो गया जी। तेल दही दा सरों दा। सही है। तुसी कह रहे सी ये तोड़ा सेटअप रजिस्टर्ड है? हां जी गवर्नमेंट दी तरफों। हां जी मैं को सेहत आलो ना जे जी जानवर अस्पताल आले। सही है। सर उन दा फायदा की तुहानू की मिलदा गवर्नमेंट? सानू ओदे लो जी कोई बीमारी जांदी है ओदी वैक्सीन आके उस टाइम कर देंदे जेडी बीमारी है। मुंह खोरली हो गई, पेट दी बीमारी, दवाई दारू, जिगर दी बीमारी, ओ आके टीके ला देंदे। मौसम बदलदा ना। सही है। जेडी वैक्सीन आंदी ओ आके ला जांदे। सही हो गया सर। इकट्ठा शो कर दियो तुसी। अच्छा सर जेड़ा बकरा तुसी खरीददे हो किस उम्र दा खरीददे हुंदे हो? पहलो शुरू शुरू ही ते असी बच्चे ही लैने शुरू कीते सीगे, मगर ओ साल बाद ना मजा नहीं सी आंदा। सही है। उस तो बाद फिर कम से कम 8-10 महीनों के ना वो जानवर लेने शुरू किए हैं। ठीक है। माशाल्लाह जेड़ा ना साल बाद ईद ते फिर देंदे हैं। एक अच्छा वेट गेन कर जांदे। वेट बहुत अच्छा कर जांदे। सही है सर। अच्छा इस दफा कोई माल सेल भी किया या हुन स्टार्ट करना है? अजे नहीं स्टार्ट करना। सही है। असि ये कह लो कि 7-8 जानवर आप कुर्बानी लिए रखने, बाकी सेल कर देंगे। सही है सर। टोटल इस टाइम तक कितने जानवर ने? 18 कुर्बानी वाले जानवर। हाँ जी पहले जी आपको जानवर दिखा देते हैं, उसके बाद इनकी जो डाइट है और जो इनकी जगह है जिसमें ये रहते हैं वो इंशाल्लाह बाद में बता देते हैं। ये देख रहे हैं जी। अभी ले आओ सर। ठीक है पकड़ो जी। ये देख लें जी सभी इस सेम हेल्थ के हैं जी। अच्छा सर इनका अंदाजन कोई वेट कीता है? वेट इना दा 90-100 किलो। अच्छा अगर सेल कर दियो तुसी वेट दे लिहाज ना सेल करोगे या दूसरे तरीके ने? दूसरे तरीके सादा नॉर्मली जैसे। सही है जी। सर क्या दांत कितने कितने ने? 4-6 दांत के अंदर अंदर की चीजें हैं जी। ये ना जनार पहले सबसे पहले सारे मल्लेदान है जी।
ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਕਲਾ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह ये सिंधी क्रॉस में है जी गुलाबी वो दूसरे राजन सर ये राजनपुर तो तुसी खुद लेके आए से दोस्त लेके आए थे पिछले साल ओना को धोंदे नहीं होए फिर ओना ने सानू दे इत्थे सारे सही है सही हो गया सर ये देख लें जी अंदाजन सर 90 तो 100 के जी वेट है ते क्या डिमांड तुसी इन्हां दी की पर जानवर दी करदे हो डेढ़ लाख पर जानवर दी सवा लाख हाँ मुख्तलिफ डिमांड है वेट दे लिहाज ना सही है सर ये देख लें अब जी इनका वेट कितना होएगा अंदाजन इसका वेट 100 किलो ऊपर 100 के जी के करीब करीब इसका वेट है जी अभी ये दूसरा देख ले दांत 6 होएगा 6 या 4 दांत 4 2 6 मतलब मुख्तलिफ एजेस में है जी ये देख लें माशाल्लाह उसके बाद इधर देख लें सभी बकरे खड़े हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे इनकी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं ये देखें कार्गो कर दोगे पूरे पाकिस्तान सही है सर सही है ये देखना जी नंबर सर एक सेकंड बोलो अपना जरा 0321 7211606 7211606 क्या नाम मोहम्मद अजहर जी इस पे जी आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर है 0300 9691384 9691384 व्हाट्सएप है सर मिर्जाम जी सही हो गया सर चीजें अच्छी हैं जी ये देख ले माशाल्लाह सही है जी अच्छा इन्हों ने की खुराक की डाल रहे हो मुंडा पाजा चने चने चोकर मकई सही है सूड़ी ठीक है कुतरा पा सरों की खल सही है हां कुतरा पा आप उन्होंने दिखाओ ना मान जेना तुम पौंदे अंदर हां मंडा दिखा दियो जी सर गुल्ली ते तैयार तो नहीं ना कीते गुल्ली पे तैयार नहीं है जी सिंपल ठोस डाइट पे तैयार है ये देखिए अभी आपको मंडा दिखा देते हैं इनका ये बंडा है जी ये बंडा ਇਹ ਡਰਮ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸਮੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਾਸ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਗੰਦਰ ਮੈਂ ਚਨੇ ਕਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ ਜੀ ਮਕਈ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕ ਵੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਆਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸੀਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਰਸੋਂ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ ਆਇਲ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਈਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਫਰ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਰ 50 ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਸਹੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਸਹੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ 25 ਕਿਲੋ ਸੂੜੀ ਸੂੜੀ ਚਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਚੋਕਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੜੀ ਛੁੜ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਹਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ 18-20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 1 ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਹੈ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਪਾਈਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਸੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਦਾ ਇਹ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਸਣ ਵੀ ਮਗਾਵਾਂਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਵਾ ਹੇ ਹੋਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਹੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਬਦਨੀਆਂ ਦੋ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚਸਕਾ ਆਪਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਥੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ 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 ਢਾਈ ਦੀ ਤੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੂਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੇ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ काफ़ी जो क्वेश्चंस माइंड में आए थे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दिए हैं जैसे भी फुलियों का डिज़ाइन चेक कर लें बड़ा बेहतरीन है जी अच्छा बड़ी सस्ती मंडी है सर भी कुर्बानी वाले ने अच्छा जी ये अंडे लग जाते हैं सही है ये भी फॉर सेल है फॉर सेल ये फॉर सेल नहीं है जी वैसे ही है जी शौक के लिए रखे हुए हैं बाकी जी आज की वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह कल वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़